मेरे लिए रंगमंच वाकई में साधना है, और बहुत टाइम मैं बीच में साधना से निकल गई थी तो मुझे बहुत कोफ्त होती थी, बहुत तकलीफ होती थी, पर ऐसा मुझे लगता है कि ये वापस मैं अपने घर आ गई हूँ। ऐसी कोई मेरी एक वो नहीं थी कि इनकी तरह बनना है मुझे, ना कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो मीना कुमारी को कॉपी करते थे या नंदा जी को कॉपी करते, मुझे ऐसा कुछ नहीं। कोंकणा सेन उसने फिल्म बनाई भी, एक्ट्रेस भी है, प्रियंका खुद अपनी कितनी प्रोड्यूस भी कर रही है फीमेल सेंट्रिक रोल्स। अभी लोगों की मानसिकता थोड़ी थोड़ी बदल रही है, लोग समझ रहे हैं। जुनून होना चाहिए आपको कोई भी फील्ड में करे, यू हैव टू बी फुल ऑफ पैशन एंड बिलीफ इन योर सेल्फ। आपके ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये मैं हूँ और ये मैं करके मानूंगी, करके मानूंगा। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं जानी मानी अदाकारा सुष्मिता मुखर्जी जी, और चाहे हम बात करें खलनायक फिल्म की, चाहे हम बात करें गोलमाल फिल्म की, दादी की, या फिर हम बात करें ऐसे कई सारे किरदारों की जिनके ज़रिए दर्शकों के दिल में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज इंदौर में एक ख़ास नाटक के लिए यहाँ पर वे उपस्थित हैं, और हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इंदौर में ये जो नाटक होने जा रहा है किस तरह का ये एक नाटक है, और नारी एक किस रूप को प्रदर्शित करता है। ये नारीबाई स्टोरी का नाम नारीबाई है, और सबसे पहले मैं तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताऊंगी नहीं, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा इससे पहले कि आप इसके बारे में कुछ लिखें। आप ज़रूर देखें। 30 साल बाद मुझे शरद भाई ने वापस बुलाया है। इनके 30 साल पहले मैंने इंदौर में उज्जैन में एक सोलो किया था, दूसरा सोलो ये है, वो भी औरत के ऊपर था, ये भी औरत के ऊपर है। 23 कैरेक्टर्स मैं निभाती हूँ, और औरत की जर्नी, औरत की एनर्जी इसके ऊपर है। रंगमंच की हम बात करें मैम, एक ऐसा ये मकाम है जहाँ पर बड़े बड़े सितारे आकर अभिनय करते हैं, दूसरी ओर कई बड़े सितारे रंगमंच से निकलकर फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, लेकिन आज के दौर में ये बात कहने को आती है कि रंगमंच कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। वहीं बड़े सितारे एक बार फिर से रंगमंच पर जब आते हैं तो हमें यहाँ पर एक अलग तरह की दुनिया देखना, आपकी नज़र में रंगमंच क्या है? साधना। मेरे लिए रंगमंच साधना है, मेरे लिए रंगमंच वाकई में साधना है, और बहुत टाइम मैं बीच में साधना से निकल गई थी तो मुझे बहुत कोफ्त होती थी, बहुत तकलीफ़ होती थी, पर ऐसा मुझे लगता है कि ये वापस मैं अपने घर आ गई हूँ। मेरे लिए बहुत साधना से ऊपर और क्या चीज़ होती है, वही है, एक कनेक्शन है, एक डिवाइन के साथ एक कनेक्शन है, और थिएटर एक ऐसा खूबसूरत मीडियम है, मतलब जिसमें 10 लोग हो या 100 लोग हो या 500 लोग हो, आप हर पर्सन की दिल को आप डायरेक्टली छू सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनके उनकी ऑब्जेक्शन भी आप ले सकते हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा तो भी आपको मिलता है, उनको उनका प्यार भी मिल रहा है, तो सब कुछ एकदम इंस्टेंट है, एकदम रियल है, एक टाइम स्पेस में है। फिल्मों और दूसरी टेलीविज़न में क्या है, आप भले बहुत 100 लोग बैठ के देख रहे हैं पर एक डिजिटल या फिल्म है तो लोग हैं और एक फिल्म है, यहाँ लोग हैं और लोग हैं, तो उसकी जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो मैजिक क्रिएट करते हैं वो उसको थिएटर है, वो एक नशा है मेरे लिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन का। बिल्कुल मैम, फिल्म उद्योग में और टीवी इंडस्ट्री में दोनों में बराबरी से आपका दखल है, दोनों में ही आपने काम भी बहुत किया है, आपकी नज़र में दोनों में सामंजस्य बैठाना किस तरह से रहा, या फिर सबसे श्रेष्ठ दोनों में क्या मानती हैं? एक्चुअली क्या होता है, जब लंबी आप अगर अपन जीवन देखें ना, तो जो जो आता जाता है आप करते जाते हैं। एक गृहिणी को देख लीजिए, वो नहीं बोलेंगी ना मैं सब्जी करूँ या कपड़े बनाऊँ या कपड़े सीऊँ या बच्चे को स्कूल, एक एक ऑर्गेनिक होल हो जाता है कि जो आता है सामने आप उसको अपनी ड्यूटी मान के करते जाइए, आप अपने आप को भी जीवित रख रहे हैं, आप अपने परिवार को भी साथ लेके चल रहे हैं, आप अपना समाज को भी साथ लेके चल रहे हैं, तो जो चीज़ आपको उस वक्त सही लगा, क्योंकि कभी कभी देखिए आर्टिस्ट होता है वो आयरन एंड स्टील बिजनेस में तो है नहीं ज़्यादातर, कि उसका बिजनेस चल रहा है साथ में उसने कर लिया, यही उसका काम है, इसकी कला है, उसकी साधना है, उसकी रोजी रोटी है, तो जब रोजी रोटी और कला या साधना के बीच में जो सामंजस्य बिठाना जैसे आप पूछ रहे, कभी कभी बहुत आसान हो जाता है कि आपको अच्छा काम मिलता रहा,
फिर कभी कभी आपको बच्चों की फीस भरनी है पर आपको वो काम अच्छा नहीं लग रहा, पर फिर भी आप चॉइस लेते हैं कि चलिए हम शाम को जाके थिएटर कर लेंगे, या चलिए हम अच्छी किताब पढ़ लेंगे, चलिए हम एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट चले जाएंगे। हम अपने अंदर जो क्रिएटिव कुआं है उसको भरना है, क्योंकि आप टेलीविजन करते हैं, आप 10-12 घंटे एक स्टूडियो में जाते हैं जहाँ पे किसी को पता नहीं होता, अक्सर सब लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं और क्लियर है वो कि हम पैसे के लिए कर रहे हैं, हमें EMI भरना है, हमने गाड़ी ले ली, हमें घर ले लिया, हमें भरना है। तो जब वो काम करते हैं उसकी मानसिकता अलग होती है, तो वो होता है कि हाँ मैं आया हूँ, इस टाइम पे आई हूँ, इस टाइम में चली जाऊँगी, इस पे तुम लोग को जो काम कराना है करा लो। बिल्कुल तो उसमें जो अलग आपकी सोच ही अलग है, क्योंकि तब आप कुछ भर रहे हो, आप कुछ वजह, यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर आप पूरी तरह से समर्पित हैं। तो अलग एक्टर वही है, कला वही है, पर आपकी दृष्टि थोड़ी 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 आप मनूवर करते हैं चीज़ों को। बिल्कुल मैम, इंडस्ट्री में जिस तरह का अभिनय आप में देखने को मिला है, बहुत अलग अलग भूमिकाएं आपने की है और हर भूमिका में लोगों ने पसंद भी किया है, कौन वो शख्सियत है जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, या वर्तमान दौर में जिनके साथ आप काम करती हैं उनमें सबसे ज़्यादा किन्होंने प्रभावित किया है आपको? एक्चुअली मैं रियली सच्ची बताऊँ तो मेरे ऐसे कोई आइडियल्स नहीं रहे, किताबों में ज़रूर रहे, लिटरेचर में रहे, पर इस इंडस्ट्री में नहीं रहे। हाल ही में, क्योंकि मैं अभी बता रही थी उनको भी कि चूंकि मैं थोड़ी फ्री थी, मैं मेरिल स्ट्रीप की फिल्में देख रही थी, जी और मैं इसलिए देख रही थी कि वहाँ पे अमेरिका में, पश्चिम देशों में मेरी जैसी एज की औरतों को कितना अलग टाइप रोल मिल रहा है। हम लोग अब जब इस उम्र में आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब सिर्फ और सिर्फ 20-22 साल की लोगों की लाइव्स लोगों को पसंद आती है, हम लोगों की भी लाइव्स लोग देखना पसंद करेंगे जनरेशन की, क्योंकि उससे बहुत सीख मिलती है। तो इस तरह की फिल्में क्यों नहीं बन रही है, तो मैं वो देख रही थी। और उन लाजवाब परफॉर्मर हैं, वैसे देखा जाए तो श्रीदेवी इतनी अच्छी अपने आप में परफॉर्मर, बहुत इतनी अच्छी, सब लोग, रेखा जी बोलिए, माधुरी दीक्षित बोलिए, पुराने ज़माने के सारे, नूतन जी बोलिए, मतलब वहीदा जी बोली, पर ऐसी कोई मेरी एक वो नहीं थी कि इनकी तरह बनना है मुझे ना। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो मीना कुमारी को कॉपी करते थे या नंदा जी को कॉपी करते, मुझे ऐसा कुछ नहीं था, किसी को मतलब मेरा कोई ऐसा नहीं था। जो रोल आता था वही रोल मुझे, मैं उसी रोल में घुस जाती थी। मैम, थिएटर की हम बात करें, सीधे रूबरू होने का मौका मिलता है चाहे कलाकार हों या दर्शक हों। अभी देखने में ये हुआ है कि छोटे शहरों में, बड़े शहरों में थिएटर्स के आयोजन होते हैं, बहुत सारे कलाकार एक दूसरे जुड़े, लेकिन जब यही कलाकार मुंबई पहुंचते हैं तो एकाध दो को छोड़कर बाकी तमाम सारे कलाकारों को फिर से लौटना पड़ता है। एक डर सा माहौल है कि फिल्म इंडस्ट्री में सफलता जो है वो किस्मत से मिलती है या बहुत कम लोग। आपका क्या मानना है, नए कलाकारों के लिए मुंबई में किस तरह से अवसर उपलब्ध हो सकते हैं? अभी तो देखिए वाकई में आपकी आपकी डेडिकेशन, फोकस और आपकी थोड़ी सी प्लानिंग, जैसे अगर इंदौर से कोई बच्चा या बच्ची जाए, उसको तय होना चाहिए कि उसकी जड़ कितनी डीप है, या वो वहाँ पे इंस्टेंट शोहरत के लिए जा रहे हैं कि मैं वहाँ पे टेलीविजन सीरियल में हीरोइन बन जाऊँगी और घर घर में मैं 1 साल के लिए मैं हीरोइन बन गई और शायद फिर मुझे इंडोर्समेंट्स मिलेंगे, कुछ पब्लिसिटी मिलेगी, कुछ एडवर्टीजमेंट करूँगी, चाहे एक फिल्म एक्टर मुझे, फिल्म प्रोड्यूसर मुझे देख के मुझे हीरोइन बना देगा और मैं कुछ बड़ी बन जाऊँगी, ये हो सकता है। पर उसकी नींव कितनी है, उसने कला को कितना ज़्यादा उसने काम किया उस पर, तो जब वो हिलती है ना आपका अपना बोट, बिल्कुल आप पकड़ के स्ट्रांग रहते हैं। अगर आपके पास वो ताकत नहीं है, कला नहीं है, आपके पास वो ट्रेनिंग नहीं है, तो जैसे ही कुछ हिला आप भाग के वापस आ जाओगे। आपको पकड़ के रखना है। अगर आप, हम लोग भी तो सब, हम लोग जब बम्बई आए क्या था, तब टेलीविजन भी नहीं था, अब लोग एक ड्रीम लेके आए थे और जुड़े रहे, थिएटर करते रहे, फोकस फोकस करते रहे, थिएटर करते रहे, बस में आते जाते थे, खाना मिलता नहीं मिलता, हम लोग जुनून ही थे। हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि आप लोग सक्सेस मतलब जुनून, सक्सेस का रूल ही है कि आप जितना जुनून से, अब कोई बिजनेसमैन भी है वो भी कितने दौर से गुजरता, हम देखते हैं कि बिजनेसमैन है लाखों करोड़ों है, उस पाने के लिए उसने कितने लाखों चने चबाए होंगे, कितनी बार वो अपने घर बेच के उसने फिर बिजनेस शुरू किया होगा, तो वो जुनून इज द मेन थिंग। मैम, इंडस्ट्री में फिल्में बहुत आती हैं, सितारों के दम पे चलती भी हैं, महिला प्रधान फिल्मों की थोड़ी कमी देखी जाती है, तो क्या अभी हाल ही अभी में हो रहा है, देखिए क्वीन बनी, बहुत सारी ये कोंकणा सेन बन, उसने फिल्म बनाई भी, एक्ट्रेस भी है, प्रियंका खुद अपनी कितनी प्रोड्यूस भी कर रही है, फीमेल सेंट्रिक रोल्स। अभी लोगों की मानसिकता थोड़ी थोड़ी बदल रही है, लोग समझ रहे हैं कि एक बहुत सारा दौर हो गया ना, और परिवर्तन ही गीता सार है, परिवर्तन है, सब सब इससे, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये को, ये चक्र है,
हमें साथ साथ चलना चाहिए उसके साथ साथ। बिल्कुल मैम, जो टैलेंटेड इंडिया हमारा पोर्टल है, इसके माध्यम से देश के लाखों युवा हमसे जुड़ते हैं और आप जैसे लोगों से उन्हें रूबरू होने का मौका मिलता है। हम चाहेंगे कि जितने भी युवा जो रंगमंच से जुड़े हैं, जो अभिनय की दुनिया में जाना चाहते हैं या किसी अन्य क्षेत्र में अपना फोकस करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? टैलेंटेड इंडिया के दर्शकों को मैं नमस्ते। मैं ये कहूँगी कि देखिए, लंबी जर्नी होती है किसी के क्रिएटिव जर्नी, तो उसमें आपको डरना नहीं है। आपको सबसे पहले सोचना है हमें क्यों आना है। अगर आपको सिर्फ पैसा और शोहरत के लिए आना है इस इंडस्ट्री में, तो आप देख लीजिए कि जब आपको पैसा और शोहरत नहीं मिलेगा तो आप फिर हार जाओगे। अगर आपको कला के लिए आनी है तो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो एक एक देवता है। कला एक सरस्वती है, कला एक एक देवी है। उसको आप पूजिए, उसको आप प्यार करिए, उसके लिए आप सिंसियर रहिए। चाहे फिर आप कहीं पे भी जाएं तो आप हिलेंगे नहीं। सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको उसके लिए आपके पैर मजबूत होने चाहिए। अभी शरद जी हमें बुलाए हैं, 40 साल से वो थिएटर कर रहे हैं। पैसे हो ना हो, सबको बुला के जुटा के थिएटर करना इजी नहीं है। कोई भी नौकरी कर सकता है, नौकरी करके घर पे बच्चे पल जाए, ये क्यों करता है? क्योंकि वो जुनून है, उनकी बिलीफ है, उनको कला से प्यार है, उनके ऊपर भगवान की का वो आशीर्वाद है। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग जो यंग, मैं अपने बच्चों को भी ये कहती हूँ, आपके अंदर जो भी जुनून है, ज़रूरी नहीं है सब कलाकार। मेरा छोटा बेटा PhD कर रहा है साइंस में, बायोकेमिस्ट्री, हमें कुछ जो सब्जेक्ट ही नहीं माता, कुछ कैंसर स्पेशलिस्ट के ऊपर, उसका वो जुनून है, वो रात दिन लेबॉरेटरी में काम करता है, 23 साल का बच्चा है। तो जुनून होना चाहिए आपको कोई भी फील्ड में करे। यू हैव टू बी फुल ऑफ पैशन एंड बिलीफ इन योर सेल्फ। आपके ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये मैं हूँ और ये मैं करके मानूंगी, करके मानूंगा। कोई चाहे दुनिया आपकी कोई भी स्क्रिप्ट्स हो, किसी की भी स्क्रिप्ट्स हो, टीचर के, माँ बाप की कोई भी स्क्रिप्ट्स हो कि तुम नहीं, तुम हार जाओगी, तुम नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, कुछ नहीं। प्योर है आप, प्योर एनर्जी, प्योर स्पिरिट, आप कर सकते हो। एंड यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। और जो आपको कम करता है, छोटा करता है, जो भी आपके आस पड़ोस, आप उनको बिलीव मत करिए, आप उनसे कट जाइए। अपनी मुकाम चूज़ करिए और फॉलो करिए। ये एक लॉ है, इट विल कम ट्रू, इट्स अ लॉ। तो ये थी जानी मानी अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी जी, जिन्होंने अभिनय को लेकर अपने विचार रखे, साथ ही साथ इंडस्ट्री में आने वाले युवाओं को लेकर उन्होंने जिस तरह की बातें कही, उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में युवा इन बातों पर भी ध्यान देंगे और सफलता का जो मंत्र है उसे लेकर कहीं ना कहीं अपने करियर की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहरहाल द टैलेंटेड इंडिया टॉक शो में इतना ही, अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत के साथ हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।